तो व्यूअर्स, आज हम जो है मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे चुगुर्जी, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो है इतने फेमस खाने भी मौजूद हैं। एक फूड स्ट्रीट है छोटी सी, लेकिन आपको एक बड़े बेहतरीन जायके जो है यहाँ पे मिलेंगे। तो आज हम आपको लेके आए हैं मौलवी के गोलगप्पे, एक बड़ी फेमस शॉप है, वहाँ से लड्डू पेटियाँ खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर चौधरी, आप मेरा चैनल देख रहे हैं ग्लोरियस। तो आज आपको हम एक मजे की वीडियो लेके जो है आए आपके पास, जिसमें जो है सबसे मशहूर लाहौर के गोलगप्पे हैं, मौलवी के गोलगप्पे। तो आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इतने फेमस आपके गोलगप्पे, लड्डू पेठियाँ, ये इतनी चटखारेदार चीजें जो है जहाँ भी सुने आपका नाम होता है, तो आज उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये आपको बड़ा फेमस है गोलगप्पे, इसमें चटनी है ऐसी है, क्या है, कोई हाथ का जादू है या कोई आपकी जाती की रेसिपी ऐसी है? नहीं, जादू क्या, यही बस मसालेदार ही है, उसको बनाने का तरीका डिफरेंट होता है हर किसी का। तो मेन चीज होती है गोलगप्पों में खट्टा पानी, इसी के साथ ही सारा कुछ होता है, और क्वालिटी को भी जो है वो मेंटेन रखते हैं। लेकिन आज हमने आपको डायरेक्टली मिलवाया, उनसे पूछा कि इसमें राज क्या है, तो हम भी इसकी तरफ खींचे चले, इसलिए आए कि सब इसी का नाम लेते हैं। तो आज इनके खाते हैं लड्डू पेठियाँ। तो क्योंकि मैं इसे खाता नहीं हूँ, लेकिन इसकी तारीफ मैंने इतनी सुनी है कि मैंने कहा आज इनकी शॉप पे जाके इसको खाया जाए। तो लड्डू पेठियाँ एक बड़ी डिफरेंट है, लाहौर में बड़ी फेमस डिश है ये, लेकिन आपको चाहिए कि एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से इसे खाएं, ताकि आप इस डिश का मजा जो है ज्यादा ले सके। तो आज हम खाते हैं भाईजान के लड्डू पेठियाँ। तो फिर मैं आपको जायका बताता हूँ, नाम बड़ा अच्छा है, भाईजान भी बहुत अच्छे हैं, लड्डू पेठियाँ यकीनन इनके बहुत अच्छे होंगे। तो चलें खाते हैं और ऑर्डर करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स, हमारी एक फुली लोडेड जो है लड्डू पेठियां वाली प्लेट आ चुकी है। इसके अंदर चटनी, सैलेड, और इसमें तीन चटनी है, उसमें जो है दही की चटनी भी है, टमाटर की भी है और केचप भी है। तो इसका कम्बिनेशन चेक करते हैं कि ये कैसा है। तो अभी इसको खा के मैं आपको बता, काफ़ी जो है फुली लोडेड है, काफ़ी बाजार से मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा मटेरियल होता है, लेकिन ये काफ़ी हैवी प्लेट है। ये देखें जी, वाह, बड़े खस्ता खस्ता जो है लड्डू पेटियाँ वाले प्लेट जो है हमारे पास आ गई है लड्डू पेटियाँ की। इसकी फुली लोडेड चम्मच भी जो है इसको ट्राई करते हैं, सिर्फ दही की चटनी के साथ ट्राई कर रहा हूँ अभी। ओए होए होए, बहुत मजे का है, यकीन करें बड़ा खस्ता सा है, और जो दही ने इसका मजा कराया है ना, वो तो कमाल ही हो गया। अब मैं केचप वाली एक बाइट बनाता हूँ इसे, केचप, सैलेड और लड्डू पेठियाँ, ये दूसरी बाइट है। तीन चटनी है इस वक्त हमारे पास, दही के साथ खाया तो स्पाइसी, केचप के साथ खाया तो दूसरा जायका, थोड़ा सा मीठा मीठा। अब तीसरी है इनकी एक और स्पेशलिटी है इसकी चटनी की, वो टमाटर वाली, और उसमें धनिया, सब्ज मिर्च और काफी चीजें, अब उसका जो है ना बाइट बनाते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, खासतौर पे जो ये सैलेड है ना, उसमें मूलियाँ हैं, वो मीठी मीठी हैं, कड़वी नहीं है, तो हर चीज़ जो है ना उसका अलग-अलग जायका है।
तीन चटनी है, तीन जो है उसके जायके देती हैं। दही के साथ खाएं तो आपको जो है लगेगा कि स्पाइसी है, केचप के साथ खाएं तो उसका फ्लेवर कुछ और हो जाता है। और जो ये टमाटर वाली चटनी है ना, यकीन करें इतनी मज़े की है, ये अक्सर लोग घर में बनाते हैं लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और जायका उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये चरगे के लिए भी इस्तेमाल होती थी किसी ज़माने में, लेकिन अभी तो केचप जो है उसका इस्तेमाल होता है। बहुत ज़बरदस्त है, जैसे मौलवी के गोलगप्पे मशहूर हैं वैसे इनकी लड्डू पेटियाँ भी बहुत अच्छी हैं, मज़ा आ गया यकीन करें। खस्ता खस्ता सी हैं, इनका एड्रेस बड़ा आसान है, ऑरेंज ट्रेन पे हैं तो उसके स्टेशन पे उतरें, चुबुर्जी जो है वहाँ पे उतर के लेफ्ट साइड पे जो है इनकी बहुत बड़ा सेटअप है, जो यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज भी आके बैठ सकती हैं, बहुत बड़ा सेटअप है, ये नहीं कि छोटा सा है। तो इनके पास जो है ना स्पेशलिटी है गोलगप्पे, उसका पानी, चटनी और लड्डू पेटियाँ, ये मशहूर भी इसी नाम से हैं, मज़ा आ गया यकीन करें। क्या बात है जी, मलिक साहब किसी तरह चासी करा देती, यकीन करो मुंह का जायका ही तब्दील हो गया, कमाल हो गया जी। रायता जो दही की चटनी है उसमें सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया गया, थोड़ी स्पाइसी है, केचप और टमाटर की चटनी। अब तीनों को मैंने जो है इकट्ठा करके एक बाइट बनाई है, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज है। बाकी चुबुर्जी में देखते हैं और क्या मिलता है, उसको भी टेस्ट करेंगे कि चुबुर्जी का जो है फूड स्ट्रीट वो कैसी है। बाकी अभी बहुत सी फूड स्ट्रीट हैं जो अभी हमने आपको नहीं दिखाई, वहाँ पे बड़ी लजीज चीज़ें मिलती हैं। और एक बात बताऊं कि इनके पास फिश भी मौजूद है, अभी मुझे बताया कि आप जो है फिश भी जो है खा सकते हैं, हर चीज़ बड़ी अमेजिंग है, सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, सबसे बड़ी बात यह है। इसको खाते हैं फिर नेक्स्ट भी चलते हैं एक और जगह पे और देखते हैं वहाँ क्या मिल रहा है। जब हम आए खाया भी पिया भी तो मुझे एक शॉप नज़र आई कि वहाँ पे बड़ी अंतीस चीज़ें हैं, उसमें हैंड फैन भी हैं और यहाँ पे जो बैठने के लिए सीट्स होती हैं वो भी हैं और बहुत कुछ है। तो भाईजान हमारे साथ ठहरे हुए, उनके ऑनर हैं, राना साहब ये बताएं कि इतनी खूबसूरत चीज़ें जिसमें आईने भी हैं, उसकी बड़ी सजावट की हुई है, बैठने के लिए मूड़े और पीढ़ियाँ और काफ़ी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये यहाँ पर जो है लोग इसको कितना पसंद करते हैं। माशाल्लाह जी बड़ी खूबसूरत जो है ये हैंडमेड है, पुरानी आयात भी हैं इसमें, जो ये आपका रूम में जो है आपको इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, आपका रूम बड़ा खूबसूरत होगा और जो है पुरानी आयात जो है वैसे ही बाबरकत होती हैं आपके घर के लिए। तो बड़ी यूनिक सी चीज़ें इनके पास, बच्चों के लिए भी जो है वो गिफ्ट्स हैं जिसमें डॉल के जो है हाउस हैं और आईने हैं, इसके बाद हैंड फैन है जो काफ़ी खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। तो खवातीन के लिए तो जो है ये तोहफा ही है, क्योंकि खवातीन हमेशा वो यूनिक चीज़ें ढूंढती हैं वो भाईजान के पास हैं।
राणा रिजवान साहब हैं, ये चुगुर्जी के बिल्कुल सामने जब आप आएंगे इनकी जो है कॉर्नर पे शॉप है, तो आपको ऐसी बड़ी यूनिक चीज़ें मिलेंगी। और इनके जो है पूरी शॉप में इस चीज़ का जो है काफ़ी मटेरियल मौजूद है, आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है चीज़ें बनवा सकते हैं, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उनका काम है। तो आप आएँ इनकी शॉप पर तो आपको जो है काफ़ी कुछ मिलेगा। तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं रैक्स फास्ट फूड पर। वहाँ पे काफ़ी ऐसा मेन्यू है ज़बरदस्त किस्म का, उसमें आपको बर्गर्स भी मिलेंगे, पिज़्ज़ा भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा जो है माहौल बना हुआ है। तो हमने जो ऑर्डर किया है ग्रिल बर्गर, जो इनकी स्पेशलिटी है, उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि फास्ट फूड में इनका कैसा नाम है। तो टेस्ट करते हैं फिर ग्रिल जो है बर्गर, तो फिर चलते हैं आगे, ऊपर सेटअप है, वहाँ बैठ के फिर तसल्ली से बात करते हैं, रिव्यू देता हूँ कि ग्रिल बर्गर इनका कैसा है। व्यूअर्स, जो हमने जो है आज का जो है ग्रिल जो बर्गर था ऑर्डर किया है, तो उसको देखते हैं, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको टेस्ट करते हैं कि काफ़ी हैवी है। अब इसको ओपन करते हैं क्योंकि एक बाइट में तो इसे खा नहीं होगा, इसको पहले करते हैं ओपन। काफ़ी हैवी बाइट होगी इसकी, काफ़ी लजीज है, थोड़ा स्मोकी जो है इसमें जायका आ रहा है, क्योंकि ग्रिल बर्गर जो है ये डिफरेंट जो है स्टाइल से बनता है बाकी बर्गर। इसमें जो मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा ही स्टेक्स हैं इसके अंदर, काफ़ी हैवी जो है इसका मटेरियल है। एक बाइट में जो है आप इसको खा नहीं सकते, इसको प्रेस करना पड़ता है पहले। काफ़ी अच्छा है, पहली बाइट में जो है मज़ा कराया। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, जो स्टफ़ है सॉफ्ट है वो भी, लेकिन स्टेक्स हैं उसका जो है बिल्कुल ज़बरदस्त जायका आ रहा है इसके अंदर। थोड़ा स्मोकी जो मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंट है बाकी बर्गर से, ग्रिल बर्गर बाकी जो है इनका काफ़ी लजीज है। सामने जो है ऑरेंज लाइन है और सामने ही चुगुर्जी है, उसके सामने ही रैक्स फास्ट फूड है। वहाँ का जो ग्रिल बर्गर जो है आप टेस्ट कीजिएगा, बाकी स्टेक्स भी हैं इनके पास, बर्गर भी हैं, एग बर्गर भी है, लेकिन ग्रिल बर्गर जो है रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, काफ़ी अच्छा जो है इसका जायका है। $320 काफ़ी रिजनेबल इसके प्राइस हैं, लेकिन ये है कि अगर आप एक ग्रिल बर्गर है तो आप एक टाइम का आपका खाना पूरा हो जाता है, यानी कि आपका पेट जो है बिल्कुल फुल हो जाएगा, बाकी खाने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि हमने बहुत कुछ खाया था उसके बावजूद इसको जो है टेस्ट करना लाजमी था। आज आपको फास्ट फूड की जो है वो भी थोड़ा टेस्ट करवाना था, लेकिन आज का जो है व्लॉग ये इसमें फ़ास्ट फूड के हमने जो है ना इसलिए डाला है कि फ़ास्ट फूड भी आपको बताना चाहिए। बहुत मज़े का, यकीन करें मज़ा आ गया। इसमें जो थोड़ा सा सैलड डाला है ना, उसने थोड़ा डिफरेंट किया है, और केचप जो है मेरे ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा कम होता तो ज़्यादा अच्छी इसका जो है जायका होता है, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी है। व्यूअर्स, काफ़ी अच्छा इसका जायका था, आपने अगर खाना है तो आप चुगुर्जी जब आएंगे तो रैक्स फास्ट फूड पे आप आएँ, काफ़ी बड़ा मेन्यू है, लेकिन हमने चूज़ किया था ग्रिल बर्गर, काफ़ी जायकेदार है अगर आप इसको टेस्ट करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे और आपके टेस्ट में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, आपकी पसंद थोड़ी सी ये कि स्पाइसी है, तो ये स्पाइसी भी है और इतना स्पाइसी नहीं है कि आप खा ना सकें, काफ़ी मुनासिब था, आप आएँ तो इस जगह पर टेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने बर्गर खा लिया, नेक्स्ट चलते हैं इस फास्ट फूड जो है शॉप से निकल के, देखते हैं कि मार्केट में और क्या क्या मिलता है। तो
तो व्यूअर्स, इतने खाना खाने के बाद उसको हजम करने के लिए तो ऐसी लिक्विड की जरूरत थी, तो हमने चूज किया, इसका फैसला किया कि जो है हमने आज मौसमी का जूस पी लें ताकि जो बाकी खाना का है वो हजम हो जाए। अजीम जूस कार्नर है, काफी अच्छा सेटअप है और आइसक्रीम भी मिलती है, जूसेस की वैरायटी भी काफी ज्यादा है, काफी फ्रेश है। तो इसका सिप लेके बताता हूँ कि ये कैसा मजा दे रहा है। फ्रेश चीज तो आपको पता है कि वैसी मजा देती है, काफी अच्छा जायका है इसका। किन्नू का हमने जो है ऑर्डर किया था, इसमें थोड़ा नमक है और जो है जिस अंदर जो ही एक मैंने सिप लिया तो मुझे महसूस हुआ कि खाना मेरा हजम हो जाएगा। काफी मजे का है और भी काफी कुछ है, क्योंकि मैंने काफी कुछ खाया हुआ था वरना मैं इनकी आइसक्रीम भी टेस्ट करता। और बाकी जो है इनका रशियन सैलेड है इनके पास, काफी अच्छी क्वालिटी है, काफी फ्रेश है इनकी चीजें, उसे भी खाते। तो नेक्स्ट जो है ट्राई करेंगे इनका दोबारा आके, इनका रशियन सैलेड। लेकिन चूंकि हमने काफी कुछ खाया हुआ है उसके बाद यहीं पे एंड करते हैं, जूस के बाद देखते हैं कि हमारा कैसा होता है, ये तबीयत कैसी हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स करके, और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो विलाप को करते हैं, नई वीडियो नई जगह पर नए जायके के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।